फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक भारद्वाज। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर पार्ट 3 ऑफ इसरो इलेक्ट्रॉनिक्स 2016 पेपर, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस क्वेश्चन पेपर्स। सो आई हैव ऑलरेडी डन विद माय फर्स्ट टू पार्ट्स एंड नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट, इन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 41 to 60। एंड लेट्स स्टार्ट इट। वेल, we have question number 41 in which given that the temperature coefficient resistance of the thermistor is. So first of all the question is in our mind is that what is thermistor? Thermistor kya hai actually? एक इलेक्ट्रिकल रजिस्टर होता है जो उसका रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है ना, लेकिन जब उसको हीट करता है, जब उसके अंदर हीट डेवलप होती है तो वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड थर्मिस्टर। तो इसका आंसर होगा जिसका शुरू में रजिस्टेंस बहुत हाई रहता है और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट रहता है, मतलब जब टेम्परेचर हीट के साथ घटता है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। सो द आंसर विल बी सी, हाई एंड नेगेटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फील्ड इफेक्ट फोटो ट्रांजिस्टर बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स बाई फोटो ट्रांजिस्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फोटो डायोड एंड द ट्रांजिस्टर। एक्चुअली द ट्रांजिस्टर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ द इनर एम्पलीफिकेशन, दैट इज वाई द फोटो ट्रांजिस्टर इज डोमिनेंट ओवर द फोटो डायोड्स। वेल, सो दिस इज द बेसिकली द टू डिफरेंट कैटेगरी इन द फोटो ट्रांजिस्टर्स। वन इज फील्ड इफेक्ट फोटो ट्रांजिस्टर एंड अनदर इज बायो फोटो ट्रांजिस्टर्स। सो व्हाई ट्रांजिस्टर इज डेवलप्ड व्हेन वी हैव ऑलरेडी फोटो डायोड, देन व्हाई वी हैव डेवलप्ड द फोटो ट्रांजिस्टर। एक्चुअली टू इम्प्रूव द सेंसिटिविटी, स्पीड एंड इसके बाद रेस्पॉन्सिटिविटी, मतलब आप थोड़ा सा भी अगर उसके ऊपर फोटोन डालें तो तुरंत उसको वो कर लें, और इसके पास इनर एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है तो इसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, दैट इज वाई वी यूज फोटो ट्रांजिस्टर्स। तो इसमें मेरे को ये ऑप्शन ढूंढना था जहाँ पर मेरी सेंसिटिविटी ज़्यादा हो, स्पीड ज़्यादा हो या रेस्पॉन्सिबिलिटी उसमें जिसमें ज़्यादा हो। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 1 है ना, दिस इज ए, तो इसका आंसर ए रहेगा दोस्तों। वेल, नाउ वी आर क्वेश्चन नंबर 43। एक्चुअली वी आर गिवन दैट कि एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव है जिसको मैं 45 डिग्री से एक लॉसलेस डायलैक्ट्रिक मटेरियल पर डाल रहा हूँ, जिसका डायलैक्ट्रिक कोफिशियंट है एप्सिलॉन आर, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी। तो आपको उसकी प्रोपोगेशन का जो प्रोपोगेट होगी दूसरे मीडियम में जाके वेव होगी वो 30 डिग्री इन डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द नॉर्मल, है ना, मतलब कुल में आगे नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही है, मतलब डेंसर मीडियम के अंदर आ रही है, आप समझ ही सकते हो, है ना। नॉर्मल की तरफ जब आती है वेव तो दैट इज कॉल्ड जो नॉर्मल की तरफ जब मुड़ती है तो उस समय क्या होता है कि जब मीडियम डेंसर होता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, और अगर मीडियम जो है रेयर होता है तो नॉर्मल से दूर जाती है, डेंसर है मीडियम जिसमें भी एंटर हो रही है। अब हमें फाइंड आउट करना है इसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है दोस्तों। तो इसकी रिलेटिविटी परमिटिविटी करने के लिए आपको सीधा सा स्नेल्स लॉ यूज करना है ना। तो N1 थीटा परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी इन मीडियम 1 साइन थीटा 1, है ना, N2 और साइन थीटा 2, सीधे सीधे स्नेल्स लॉ है यार, आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2, है ना, और ईटा 2 ओवर ईटा 1, है ना। तो दोस्तों आप ये करेंगे क्या कि इन दोनों मीडियम्स में क्या ईटा 1 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है, मतलब एब्सोल्यूट के केस में, है ना। तो यहाँ पर वो 1 ही रहेगी, इसमें क्या होगा, इसमें न्यू नॉट भी आपका सेम रहेगा, यहाँ पर क्या है एप्सिलॉन की जगह आपको एप्सिलॉन आर भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों यहाँ मैं लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि आई डोंट हैव डिजिटल पेन राइट नाउ। सो रिमेंबर दैट कि ये जो है ये साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 2, तो यहाँ पे आएगा इस वाले का जो परमिटिविटी है ना, अंडर रूट इस वाले की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय इस वाले की परमिटिविटी, है ना, N1 की परमिटिविटी। तो दोस्तों ये रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है क्योंकि यहाँ पर तो 1 है, उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ली है हमने, तो यहाँ से कट जाएंगी, है ना, यहाँ पर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट कट जाएंगे तो एप्सिलॉन आर बचेगा ऊपर की तरफ, तो इस तरह एप्सिलॉन आर इसको इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे आप इजीली, है ना फ्रेंड्स। तो आप समझे ना बेसिकली करने के, ये मैं मान लीजिए एक प्लेन है यहाँ पर, मेरे कर्सर को देखिए आप, यहाँ पर एक प्लेन है, एक वेव आ रही है और फिर वो क्या है इसको जो नॉर्मल जो भी यहाँ पे होगा उसकी तरफ बेंट हो जा रही है, तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लग रहा है सिंपल वे में कहें तो।
तो आपका जो रिलेटिव परमिटिविटी टू आ जाएगी। देखो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी टू आ रही है, इसका मतलब डेंसर मीडियम है ना, वो अपने आप ही पता चल रहा था जब एंगल बैंड हो रहा था उसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही थी। वेल तो अब क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। तो 44 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास डोनर टाइप इम्प्योरिटी हमने ऐड की एक सेमीकंडक्टर के अंदर, तो एक टेम्परेचर मेरा यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, रिमेंबर दैट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है यार, तो फर्मी लेवल का क्या होगा दोस्तों। तो यार अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं सिंपली क्या करता कि मैं इसको ऑप्शन सी को, मतलब सी को क्लिक कर देता, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं डोनर टाइप इम्प्योरिटी बढ़ाऊंगा तो मेरा जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड की तरफ चल देता है, अगर मैं वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिलाऊंगा तो फर्मी लेवल मेरा नीचे की तरफ चल देगा, यानी ईवी की तरफ चल देगा, यानी वेलेंस बैंड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो वेल एक बार मैं इसका एक्सप्रेशन और आपको दिखा देता हूँ मैथमेटिकली। तो दिस इज एन इजकल टू एन सी ई रेस्ट पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ ओवर के टी। दोस्तों ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब इन कंडक्शन बैंड, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कितनी है वहाँ पर उस कंडक्शन बैंड के अंदर, यहाँ पे इफेक्टिव डेंसिटी कितनी है, स्टेट्स कितनी है, और ये जो आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट्स कितने हैं उसके अंदर भरने की इलेक्ट्रॉन की। तो दोस्तों सिंपली आप इसके लॉग वो वाले लेंगे, मतलब इसको एन ओवर एन सी करेंगे, माइनस साइन है तो ये वन अपॉन ई सी हो जाएगा, एल एन लोगे तो ये करके ये आपका फाइनल आएगा, है ना। तो दोस्तों ये इस वाली जो ये जो फाइनल आपका एक्सप्रेशन आ रहा है, इसमें एन क्या है, यहाँ पर एन डी है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसमें आप जितनी डोनर इम्प्योरिटीज डाल रहे हैं वो आपके बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब मैं देखिए इसको बढ़ाऊंगा तो क्या है, लॉगरिथमिक स्केल से मेरा ये क्या है, ये जो डिस्टेंस है मेरा कम होना शुरू हो जाएगा, ई सी माइनस ई एफ। तो जब ये मेरा कम हो रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये जो है मेरा फर्मी लेवल क्या जा रहा है, ईसी की तरफ बढ़ रहा है, तभी तो ये कम हो रहा होगा, मतलब ईसी तो मेरा फिक्स्ड है, अब ईएफ मेरा कम हो रहा होगा तभी ये ईसी की तरफ मूव हो रहा है ना। तो द आंसर विल बी सी, होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। वेल क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, 45 क्वेश्चन आप लोगों को तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं, नन ऑफ द अबव के बहुत कम चांसेस होते हैं कि सही हो वो। पहले तो हम पहले तीनों पे देख लेते हैं, इन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन होल्स आर मूव्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द सेम डायरेक्शन, रिमेंबर दैट फ्रेंड्स। ये ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं लेकिन यहाँ पे सेम डायरेक्शन लिखा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, पहला तो ऐसे ही गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज एक्जैक्टली इक्वल, लिसन दैट, एक्जैक्टली इक्वल टू द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोलराइजेशन। यार सीधी सीधी बात है, देखो दोनों की यूनिटी अलग है, एक डेंसिटी है और एक इंटेंसिटी है, एक बी है और एक एच है ना, सॉरी ये तो मैग्नेटिक में पहुंच गया मैं, है ना। तो एक डी है और एक ई है ना, तो यहाँ पर जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कह सकते हो डायमेंशन ही दोनों की अलग अलग है, तो ये भी गलत हो गया। नीचे वाला जो है एम्पियर सर्कुलर लॉ एज इट इज लिख दिया है, तो इसको आप नीचे लिख सकते थे आप, द आंसर विल बी सी, द एम्पियर सर्कुलर लॉ। वेल व्हाट इज द आंसर 45, वेल सी, दिस इज 45 का सी है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 46 इन विच वी हैव गिवन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सॉरी फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दी हुई है मैग्नेटिक मटेरियल की, जिसमें एम, एम क्या है यहाँ पर, एम होता है आप लोगों का, मैं इसको भूल रहा हूँ, मैग्नेट्रॉन, सॉरी यार इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मेरे दिमाग से अभी निकल रहा है। तो एम जो निकालते हैं इसमें ससेप्टिबिलिटी, उसके मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की हेल्प से निकालते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, न्यू एम इजकल टू 150 दिया हुआ है, न्यू इजकल टू 1.5 इंटू 10^-5 दिया हुआ है मेरे को, है ना, और न्यू आर जो दिया हुआ है मेरे को 30 दिया हुआ, रिलेटिव वो दिया हुआ है। तो एम इजकल टू जो होता है मेरा वो होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू आपका एच। तो यहाँ पर मैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है न्यू आर माइनस वन, तो यहाँ पर 30 - 1 29 आ जाएगा दोस्तों। अब जो है यहाँ पर जो एम की वैल्यू निकाली है, ओ एम ये होता क्या है मेरे को याद नहीं, मैग्नेटाइजेशन, सॉरी फ्रेंड्स, दैट इज मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पर मुझे मैग्नेटाइजेशन दिया हुआ है 150, तो मैग्नेटाइजेशन इजकल टू 29 इंटू एच हो जाएगा, जब इसको निकालोगे लगभग 5 एम्पियर पर मीटर आ रहा है। फ्रेंड्स लुक एट ऑप्शंस हियर, है ना, 46 के ऑप्शन देखोगे 5 के आसपास तो कोई नहीं आ रहा है यार, ये मेरे से नहीं हो पाया। आप एक बार इसे देख लीजिएगा, अगर आपका आंसर आ रहा हो, मेरे हिसाब से कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है ना, मेटेरियल साइंस का क्वेश्चन है ये, और अगर आपको इसको टॉपिक देखना है तो उसमें जो है मैग्नेटाइजेशन में जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा ये, है ना। वेल दोस्तों अब नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं,
आपको ये दिया हुआ है कि एक स्टील पाइप है जिसकी न्यू आर मेरे को दिया हुआ है, कंडक्टिविटी मेरे को दी हुई है, आपको इनर रेडियस दी हुई है, आउटर रेडियस दी हुई है, लेंथ दी हुई है, टोटल करंट आपको दिया हुआ है, स्किन डेप्थ निकालनी है यार। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू 1/√ पाई एफ न्यू सिग्मा, है ना दोस्तों। तो इसमें ये सारी चीजें डाल दीजिएगा, इसकी वैल्यू डाल दीजिएगा, पाई इंटू 5 इंटू 10^3 या फ्रीक्वेंसी, दोस्तों देख लीजिएगा, हम लोग फ्रीक्वेंसी में गलती कर जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है 10^4 दी हुई है, तो 2 पाई को पहले निकाल दीजिएगा। तो मान लो मैंने इसको 10 कर ले रहा हूँ, 10 × 10^3 कर लेता हूँ, तो 2 अलग कर दूंगा तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 × 10^3 होगा, है ना, और 200 न्यू नॉट होगा। न्यू नॉट की वैल्यू दोस्तों आपको डाल देनी है ना। तो इसको कुल मिला के दोस्तों ये दैट इज अ ट्रैप, क्वेश्चन नहीं था दोस्त, एक ट्रैप था अच्छा खासा। आप इसकी कैलकुलेट करने की कोशिश करते, इसमें फंस जाते, 3-4 क्वेश्चंस का टाइम खराब कर बैठते। अभी अभी मैं दिखाऊंगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे आप ट्रैप्ड हो जाएंगे, कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे प्रैक्टिकली। मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम है, मैं 1.5 से 2 3 3 घंटे तक लिख जाते हैं मुझे ये हाफ एन आवर का लेक्चर बनाने के लिए। तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ प्लीज आप इनमें मत आइएगा, इन चीज़ों को लेवल समझिएगा। वेल क्वेश्चन नंबर 48, 48 मेरा क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है कि मेरे को फॉस्फोरस ऐड की गई है ना, जिसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन है और इतने होल्स हैं, आपको 2.5 ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये है आपको सीधी सीधी पता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो फॉस्फोरस, क्योंकि एन टाइप उसको सिलिकॉन को एन टाइप सेमी कंडक्टर बना देगा, है ना। आपको मोबिलिटी भी दी हुई है, रेजिस्टिविटी आपको निकाल लिया दोस्तों, है ना। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1/ कंडक्टिविटी है। अब कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होल्स का रूल नहीं है यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि होल्स ना उसके कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो एन इक्वल टू क्यू इंटू न्यू ई, मतलब मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज। तो दिस इज 2.5 × 10^17 × 1.6 × 10^19 0.13, ये वैल्यूज गिरवीन है, इसको सॉल्व करके देख लेते यही आंसर आता। तो ये कौन सा ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। तो आपका 48 का ऑप्शन नंबर बी था दोस्तों। तो वेल आपने इसको देख ही लिया होगा, हमारा 47 का जो ऑप्शन था मेरा वो था मेरा ए, 47 का मेरा ए था और इसका मेरा यहाँ पर बी है दोस्तों 48 का। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों। सबसे पहले ये आप लोग SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में पता ही होगा, सीमोस के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों क्या होता है कि इसको जो है सीमोस में यूज़ किया जाता है, आईसीएस के अंदर क्यों यूज़ किया जाता है, या जितने भी ऑप्शन दिए गए थे इसका सबसे बेस्ट वही है सी जो इसमें है, कि जो है क्या होता है कि जब मास्किंग होता है, जब आप इसको सीमोस को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मास्किंग जो होता है उसमें डिफ्यूजन कराने के लिए किन किन पोजिशन पर कराना है, कितना कराना है, उसमें ये काम आता है, और जो है ये इंसुलेटिंग लेयर उसके ऊपर बहुत स्ट्रांग बना देता है, तो इसमें ये काम आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, है ना। मैंने पता नहीं इसको, हाँ 49 का सी होगा। तो ये सिंपल है एकदम दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। सिंपली यार इसको सिंपली कर लेना था। वेल इसका दिस इज 49। वेल 49 एंड ओके आई हैव अरेंज पीडीएफ में। वेल क्वेश्चन नंबर 50 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50 ये मेरा क्वेश्चन नंबर 50 है, जिसमें आपको सीधा सीधा एक इंटीग्रेशन करना है, 0 से लेके 1 है, 0 से लेके 1 + √x² है, dx ओवर dy है। इसको क्या कीजिएगा आप, इसको क्या कीजिएगा, एक इसको पर अंडर रूट लिए 1 + x² के ऊपर और इसका स्क्वायर लगा दीजिएगा, तो ये बन जाएगी a² + b² dp, और इसको जब खोलोगे तो 1/a tan−1 p/a हो जाएगा दोस्तों। इसको आप खोल दीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, सिंपली सिंपली मैथमेटिक्स है। इसको इसकी वैल्यू रखोगे 1/a की, 1/√1 + x² tan−1 y/a है। जब इसको इसको फ्रंट इसको पर ये डालोगे, वाई की लिमिट लगाओगे तो आपका ये ln में खुलेगा ये। तो जब इसको ln में आप 0 से 1 के बीच में सॉल्व करोगे तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 4/π/4 ln 1 + √2। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा, सीधा सीधा मैथमेटिक्स का कैलकुलेटिंग पार्ट है ना। तो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 वेल दिस इज क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों। एंड क्वेश्चन नंबर 51 में आपको क्या दिया हुआ है, ये दो
ये दो आपको ट्रांजिस्टर्स दिए गए हैं, टी वन टी टू दिए गए हैं, और इसके बाद जो है इसके बाद आप लोगों को इनके जो है कुछ पैरामीटर दिए गए हैं, इसके इसकी स्पेसिफिक वैल्यू है वो 36 दी गई है, इसकी 9 दी गई है, आपको आउटपुट वोल्टेज वी नॉट की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। बड़ा थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेटिंग पार्ट था, तो इसको देख लीजिए दोस्तों कैसे करना है। इसको एक बार ना बाहर से आप इसमें वो लगाइएगा, KVL लगाइएगा, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 5 वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, तो 5 और उसके बाद VGS माइनस V नॉट, है ना। तो V नॉट इजिकल टू 5 माइनस VGS हो जाएगा, ये आपकी एक इक्वेशन बनेगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसके बाद इसमें एक बार KVL लगा दीजिएगा, है ना। तो V नॉट माइनस VGS माइनस 0 इजिकल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी मेरी। तो यहाँ पर V नॉट इजिकल टू VGS बन जाएगा। अब मैं दोनों की करंट इक्वेशन लिखूंगा, इनको सैचुरेशन में एज्यूम करके दोनों की करंट इक्वेशन लिखूंगा। K1 इजिकल टू VGS 1 माइनस VT ओवर स्क्वायर, इस तरह इन दोनों की वो मैं कर दूंगा, दोनों में करंट क्योंकि सेम रहेगा सीरीज में, तो K2 ऊपर K1 आ जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, K2 की वैल्यू डाल दूंगा, K1 की डाल दूंगा, अंडर रूट निकालूंगा, 0.5 आएगा। इसको जब मैं आगे इधर फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, VGS 1 0.5, VGS 2 प्लस 0.5। अब मैं क्या करूंगा, इसी को मैं पहली इक्वेशन में डाल दूंगा दोस्तों, है ना। इसी को मैं क्या है पहली इक्वेशन में डाल दूंगा यहाँ पे, ये जो है ये मेरी पहली इक्वेशन बनेगी यहाँ पे फ्रेंड्स। अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, प्रोसेसर स्लो है इसका। तो इतने हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसको जब उसमें डाल दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 वोल्ट आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक ये है आप लोगों का एक रैंप टाइप इनपुट है जिसका यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। रैंप इनपुट अप्लाई करने पे यूनिटी फीडबैक सिस्टम के अंदर 5% TSS आती है, यानी स्टेडी स्टेट एरर आ रही है। यार देखो स्टेडी स्टेट एरर के 3 ही केस बन सकते हैं, 0 है, कांस्टेंट है, इन्फिनिटी है। यहाँ पर स्टेडी स्टेट एरर आ रही है यानी कुछ कांस्टेंट है, तो दोस्तों इसका जो वैल्यू होगी तो समझ ही जाओ। रैंप इनपुट जब भी आपको कांस्टेंट वैल्यू दे सकता है जब आपका टाइप 1 हो, है ना। अगर रैंप इनपुट आपका रैंप है और आपका टाइप 0 हुआ तो आपका जो वैल्यू आएगी वो जो है इन्फिनिटी आएगी, और आपका टाइप ज़्यादा बड़ा हुआ मतलब रैंप से मतलब 1 से 2, 2, 3, 4, 5 जो भी हुआ तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर टाइप 1 आ जाएगा रैंप के केस में। अब आपको निकालना है ESS की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। ESS की वैल्यू निकालनी है, तो दोस्तों ESS की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को ये जो है KV इजकल टू लिमिट एस टेन टू GS करके ये KV की वैल्यू होती है 5%, आपको 5/100 है, ए अपॉन KV है ये। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 20 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 1/20 होगा फ्रेंड्स, एक बार इसको फ्रेंड्स जरूर कर लीजिएगा। वेल क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में हम डिस्कस करें, तो क्वेश्चन नंबर 53 में दोस्तों क्या है कि हमें सारे के सारे ना जितने भी सिस्टम है उन्होंने बड़ी चालाकी से क्या करना है, 5 दिया है 0 रेडियस। अब हम क्या करेंगे, सब में 0 रेडियस डाल के देख लिया। तो मेरा जब मैंने किया अपने टाइम में तो मैंने क्या किया, बहुत तेजी से क्या किया, मैंने फ्रीक्वेंसी 0 करके देख लिया, लेकिन सबको वो भी तेज थे तो डेफिनेटली सारे के सारे का आंसर 5 ही आ गया, इससे तो बात बनी नहीं। फिर वही करना पड़ता, लेंथी प्रोसेस ही यूज करना पड़ता दोस्तों। तो फिर आपने ना इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर किया दोस्तों। यार कब तक होगा ये ऐसे, है ना। तो ये जो है दोस्तों इसका मैग्नीट्यूड निकाले, 500 इजकल टू अंडर रूट 100 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 10 ओमेगा स्क्वायर, इस तरह इसका मैग्नीट्यूड निकलता है दोस्तों। इसमें मैं एक्चुअली मेरा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली अडोब, लेकिन मैं इसको एक्चुअली इसमें तुम्हें ये बताना चाह रहा था, जब मैं ये कर रहा था ना तो मुझे इसका वो नहीं आया था कि मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँ। तो दोस्तों इसको क्या है, इसकी जगह जे ओमेगा स्क्वायर रखोगे तो माइनस ओमेगा आ जाएगा, इसकी जगह 10 जे ओमेगा आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जब इसका जो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो होगा अंडर रूट 100 माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसका पूरे का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, है ना, ये वाली चीज़ ये बन के आ जाएगी दोस्तों। तो फिर उसके बाद जब आप इसको फिर सॉल्व करोगे उसमें जो है 500√2 रख के देखोगे तो पहले में ही रखोगे तो आ जाएगा दोस्तों। ये हिट एंड ट्रायल मेथड था, ये भी एक टाइम कंज्यूम करने वाला ट्रैप था जिसका, देखो अगर पहली बार में किया उसने, मान लो मैंने पहला किया, पहले में फीडबैक दिया वेल एंड गुड है। अब मैंने मान लो डी से ट्राई कर लिया, मैं तुक्का ही तो मारूंगा, गैस ही तो करूंगा। तो मैंने अगर मान लो डी कर लिया और लास्ट में ये तक पहुंचा तो मेरे कम से कम 5 क्वेश्चंस का टाइम खराब हो गया यहाँ पे,
है ना। तो फ्रेंड्स इस बार ध्यान रखना है, 90 क्वेश्चंस हैं तो, और 90 मिनट हैं, 90 मिनट में आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, सॉल्व भी करना है, और उसको एनालाइज भी करना है, और बबल भी करना है। दोस्तों आप पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारी चीज़ें कर पाओ, तो दोस्तों पकड़ के रखना कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो कौन सा नहीं कर सकते हो। पहले सुन लो, इस एग्ज़ाम की डिमांड ये है कि ये नहीं चाहता कि आपको क्या आता है, ये चाहता है वो आप वो चीज़ पकड़ना जो आपको नहीं आती है, वो तुरंत छोड़नी है आपको, ठीक है ना। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्ज़ाम। वेल क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, एक ओपन लूप ट्रांसफर सिस्टम दिया है जिसका गेन मार्जिन आपको पूछा है दोस्तों। तो गेन मार्जिन आप लोगों को पता ही होगा, -20 लॉग है ना, और ये जो है जी, जो जी की जो भी वैल्यू है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ये होता है। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी हो ओमेगा इज इक्वल टू पी सी, मतलब ओमेगा पी सी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होती है। तो दोस्तों इसको दो तरह से निकाल सकता हूँ ओमेगा पी सी को, मैं आपको दोनों मेथड दिखा देता हूँ। होप यार इस पर काम करें, थैंक गॉड। वेल दोस्तों ये मैं दो तरह से, ये मेरा इसका निकालने का जी एम इक्वल टू -20 लॉग जी जे ओमेगा है, ओमेगा पी सी पे मेरे को कैलकुलेट करना है दोस्तों। तो मेरे पास दो तरीके हैं दोस्तों, या तो मैं जो है इसको सीधा सीधा इसको कैलकुलेट कर लूँ, नीचे इसके डिनोमिनेटर पार्ट को करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डायरेक्ट कैलकुलेट कर लूँ, और मुझे अगर तुमने देखा होगा इसका कर्व देखा होगा तो इस तरह का आता है। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है 180 वाली है ना, जहाँ पे वो आपका 180 होता है फेज एंगल, -180 होता है, तो ये ओमेगा पी सी होती है। तो यहाँ से जो है तो मुझे ओमेगा पी सी इससे मिल जाएगी। तो मैं जो है यहाँ पे क्या है, ये मेरा रियल एक्सिस है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, तो मैंने इसमें डाल के देख लिया, जो भी मेरा जो है इमेजिनरी पार्ट था उसको मैंने जीरो के बराबर रखा, और मेरे ओमेगा इज इक्वल टू +-1 आ जाएगा इसको सॉल्व करके। लेकिन दोस्तों अगर ट्रेडिशनल वे में करना है वो आप लोगों को बता दूँ, मैं उसके फेस क्लोजर ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल के इसके एंगल निकाल लिए, -90 इज इक्वल टू -10 इनवर्स है ना। और ये जो है इसको मैंने तुम्हें बताई दिया अभी, बिल्कुल मैंने यही चीज़ बताई थी, इसको कैसे निकालना है, अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा है ना। यहाँ पे ओमेगा पी सी लिख दिया मैंने ओमेगा की जगह, फिर उसमें जो है ये रियल पार्ट होगा 1 माइनस ओमेगा पी सी स्क्वायर है दोस्तों यहाँ पे है ना, या और ये जो मेरा इमेजिनरी पार्ट होगा इसको -180 के बराबर रख देना है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये इधर आ जाएगा, तो -90 बचेगा, माइनस माइनस कट गया, तो 10 इनवर्स करके यहाँ से भी ओमेगा पी सी 1 आएगा। मतलब कहने का मतलब है कोई भी मेथड आपको यूज़ कीजिए जो आपको बेस्ट लगता है, मुझे ये वाला मेथड बेस्ट लगता है क्योंकि इससे मेरा जल्दी कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन आपकी इच्छा है जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा है ना। तो फिर उसके बाद फाइनली ओमेगा की वैल्यू 1 रख दीजिएगा इसमें, तो ओमेगा की वैल्यू 1 रख के तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, यहाँ तो लॉग 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट्स ऑल ना दोस्तों। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 55 यार, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 मुझे नहीं आया, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत लोगों से कंसर्न किया, लोगों से पूछा, अपने ग्रुप में डिस्कस किया ना ना, और काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से किया, लेकिन कोई नहीं कर पाया फ्रेंड्स, मुझे भी नहीं आया। मुझे यहाँ पर लिमिट, मतलब मेरे को अगर मेरा लाप्लास है, मैं इसको इन्वर्स भी लेता हूँ तो टाइम डोमेन में आएगा, टाइम डोमेन में टी में मतलब एक्स इक्वल टू पाई, मेरे को इन शॉर्ट मुझे नहीं आया। आप लोगों को आता है तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा इसे है ना, थैंक यू सो मच। और अगर आता है तो हो सके तो प्लीज़ यार कमेंट में भी लिख दीजिएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। हाँ वेल उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 के बाद हम लोग वेल क्वेश्चन नंबर 55 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये एक्चुअली क्या होता है ना, दरअसल जो क्वेश्चन बड़े से होते हैं ना देखने में, जल्दी उनका जनरली उनका आंसर जो है जल्दी आ जाता है, तो इसका वो सिंपली एक चार्ट बना लेते हैं आप, तो सीधा सीधा हो जाएगा। दिस इज ये है मेरा, एक मेरा पर्सन है, इसमें इन्होंने प्रोबेबिलिटी लिखी है कि वो ये जो है या तो कार से जाएगा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएगा है ना। तो ये मेरा इससे प्राइवेट कार हो गया, पब्लिक हो गया, 0.45 0.55, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.45 है, तो इसकी 0.55 होगी। फिर इसने बोला है कि फिर पब्लिक में से भी जाएगा तो वो दो में जा सकता है, या तो वो बस से जा सकता है, वो मेट्रो से जा सकता है। लो जी ये जी बस से भी आ गया, मेट्रो से भी आ गया। अब इन्होंने इसमें भी प्रोबेबिलिटी देगी, 0.55 में भी प्रोबेबिलिटी है कि जो है कि 0.55 जो है वो जा सकता है उससे, बस से। तो लो जी हमने जो है इसकी मल्टीप्लाई कर दी 0.5 बस से, और मेट्रो में जाने की 0.45 हो जाएगी। सिंपली यार इनको मल्टीप्लाई करके, बच्चों वाली थोड़ी चीज़ है, मतलब क्वेश्चन बड़ा लेंदी था, देखने में लग रहा था कि नहीं करें छोड़ दें, लेकिन फिर मैंने देखा तो ये हो गया था है ना। तो ये थोड़ा आसान सा था, इसका ऑप्शन नंबर ए है यार, लिखा आंसर नहीं, हाँ आंसर ए, इसका आंसर ए है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 दोस्तों, इसमें तो गजब था, इसको अगर आप लोग फॉल्स करेक्शन मतलब बाइसेक्शन मेथड इसका मतलब इस्तेमाल करते हैं और इसे करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो बहुत थोड़ा आप लोगों को टाइम लग जाता कंज्यूम करने में। हालांकि मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ इसका करने का है ना। अरे यार
है ना, ये जो है इसका तरीका क्या था, आपको आप ये इक्वेशन दी हुई है, आप में जीरो डालिए, वन डालिए, माइनस माइनस आएगा, और एक बार प्लस और माइनस के बीच में वैल्यू आ जाएगी, तो प्लस माइनस के बीच में आएगी तो कहीं इसके बीच में इसका रूट पड़ रहे हैं ना, तो ये जो है ये इसकी जगह ए की जगह मैंने यहाँ पर टू रखा है ना, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो रखी मैंने है ना, सॉरी एफ ए रखा यहाँ पे, एफ बी रखा है ना, और उसके बाद जो है इनको मतलब करते परफॉर्म करते हुए चले जाना, एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप निकाल लोगे यार, सिंपली फार्मूला है उसको देख लीजिएगा है ना, तो 25 इंटू 3 इंटू माइनस 27 है ना, तो यहाँ एफ ए माइनस एफ बी होगा दोस्तों, ये इधर होगा, यहाँ बी का एफ ए है ना, बी का इसका कितना है, बी कितना है मेरा 3 था माइनस 9, ठीक है हाँ बिल्कुल सही है ये दोस्तों, तो ये फार्मूला आप यूज़ कीजिएगा, इसको सिंपली कैलकुलेट करोगे, फिर क्या आएगी एक्स की वैल्यू आएगी, फिर इस एक्स की वैल्यू को इसमें रख के देखते, बस हो गया पेपर, इसी में अटक जाते अगर इसको करते तो है ना, फिर उसके बाद क्या होगी, ये माइनस है जीरो आ रही है, माइनस आ रही है, फिर इसके और इसके बीच में वैल्यू फिर फाइंड आउट करते है ना, इसको लेते थ्री को लेते और फिर इसको लेते, माइनस में आ रही है ना ये वैल्यू, इन दोनों के बीच में फिर रूट लाई करता, फिर आप इसको परफॉर्म करते, फिर फर्दर परफॉर्म करते चले जाते, तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप ट्राई कर लेना, सेम फार्मूला है ये, ए है इसका आंसर, ऑफिशियल आंसर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जेड ट्रांसफॉर्म निकालने का था आप लोगों को, कॉस एच एन थीटा का, तो ये सिंपली है यार, कॉस एच एन थीटा इजकल टू ई रेस्ट टू पावर एन थीटा प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एन थीटा डिवाइडेड बाई टू, और इसको सीधा जेड ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी में लगा दो, जेड ट्रांसफॉर्म जैसे निकालते हैं इसका, सिंपली वो लगाया मैंने इसको, इसके मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली इसको सॉल्व करता चला गया, इसको यहाँ से जेड की इसके पावर के ये वन अपॉन ये आ गया, यहाँ पे माइनस है तो ये नीचे आ गया वन अपॉन जेड थीटा, फिर इनको मैं खोलूँगा है ना, इनको जब मैंने इनको खोला फिर उसके बाद जो किया इन दोनों को ऐड किया तो टू जेड स्क्वायर जेड ये हो गया, अब क्या करूँगा 1/2 है, 1/2 से न्यूमरेटर को डिवाइड करूँगा, जेड स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपॉन टू आएगा, ये कॉस एच है, कॉस एच थीटा हो जाएगा जेड, अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं जो है इस वाले में क्या करूँगा, टू की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर टू के वन रहेगा ना ओवरऑल, तो यहाँ पर वन को क्या कर दूंगा, ये कॉस एच बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये कर लीजिएगा, ए इसका ए पार्ट है, पूरा थ्योरेटिकली था दोस्तों, ये ए है इसका, ठीक है। न्यूटन रैप्सन मेथड को आप लोगों को करना था दोस्तों, ये भी थोड़ा सा वो हो जाता है, एक्स इजकल टू क्यूब रूट ऑफ सी का दिया हुआ है, तो इससे ये निकाला है क्यूब रूट ऑफ माइनस सी, या फिर इसको एफ एक्स निकाल लिया, एफ डैश निकाल लिया, एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस करके इनकी वैल्यूज डाल दिया आपने, सीधी सीधी सीधा इनकी वैल्यूज डाल के निकालोगे तो आपका सीधा सी आ जाएगा है ना, यहाँ पे सी आ रहा होगा, ये वैल्यू आपकी सीधी सीधी आ जाएगी दोस्तों है ना, 59 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 यार आप लोगों का बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स का था, कि आपको ये वैल्यू लिमिट दी हुई थी, आप इसमें एक्स की वैल्यू डाल के देखो तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो 0/0 की फॉर्म में सीधी सी बात है एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करो, और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि मतलब न्यूमिनेटर और डोमिनेटर को डिवाइड करते डिफ्रेंशिएट करते हुए चले जाओ जब तक जीरो ये फॉर्म टूटे ना है ना, तो यहाँ मैंने डिफ्रेंशिएट करा एक्स इज इक्वल टू 1/3 को, तो 1/3 एक्स रेज़ टू पावर माइनस 2/3 हो जाएगा है ना, और फिर उसके बाद जो है जब मैं इसको खोलूंगा इसकी इसको एक्स 2/3 है ना, तो 1/3 और इसको नीचे ले आऊँगा एक्स रेज़ टू 3/2 हो जाएगा, तो 1/3 एक्स 2/3 और इसकी मैं 8 रख दूंगा तो सॉल्व करके वो 12 आ जाएगा, 1/12 आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा दोस्तों बी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 60 थे, इन थर्ड पार्ट आई हैव डिस्कस अबाउट ऑल 42-60 क्वेश्चन विद अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जितना बेस्ट मुझसे हो सकता था मैंने कोशिश की आपको सारे ऑप्शंस बताऊं, एक कंप्लीट अप्रोच बताऊं कि किस तरह चूज करना है, किस तरह छोड़ना है, किन पे अटकना है, किन से क्वेश्चंस के साथ जाना है, ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कोशिश की। आपको अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के अंदर दोस्तों, और मिलते हैं आपको फोर्थ पार्ट में, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।